नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट रीजनिंग को। दोस्तों, इसके अंदर हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का निशान होता है उसको जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं दिशा परीक्षण। दोस्तों, इस चैप्टर में हम समझेंगे इस वीडियो में कि जो बेसिक है दिशा परीक्षण का वो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो लेकर आएंगे। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो जो आपको क्वेश्चन है उसको मात्र 5 सेकंड के अंदर आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। इसके नाम से ही है कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें दिशाओं का पता होना चाहिए कि कितनी दिशाएं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिशाएं कितनी होती है। वैसे आप सभी को पता होगी कि चार दिशाएं कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको हम लिखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये चार दिशाएं हो गई। दोस्तों, चार दिशाओं के साथ साथ चार उपदिशाएं भी होती है। कौन कौन सी? चार उपदिशाएं होती है। एक तो होती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। दूसरी होती है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखते रहे, आपको दिशा परीक्षण से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी दिशा है साउथ वेस्ट। कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट दिशा है हमारी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों, एक बार आप वापस देख लो कि कितनी दिशाएं होती है। कुल 8 दिशाएं होती है जिनका हमें आज अध्ययन करना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों, दिशाओं का आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि एंगल की, अगर हमें जो क्वेश्चन है वो एंगल के ऊपर ज्यादा पूछे जाते हैं तो एंगल कैसे पता करें कि कौन सी दिशा में कौन सा होता है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं एंगल। एंगल अगर आपको चार दिशाओं का तो पता ही है कि ये चार दिशाएं हो गई हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हो गई चार दिशाएं, और चार उपदिशाएं हो गई हमारी, ये चार हो गई हमारी उपदिशाएं। अगर दोस्तों आपको दिया जाए कि आप इस दिशा में यानी उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो, या आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, तो दोस्तों ये होगी आपकी 0 डिग्री। क्या होगी? 0 डिग्री। और जो हमारी ये दिशा है, जो कौन सी उत्तर पूर्व दिशा है, वो कितने डिग्री के कोण पे होगी? ये होगी 45 डिग्री के। तो ये कितने पे होगी? 45 डिग्री। इससे अगली है जो हमारी पूर्व दिशा, वो होगी 90 डिग्री पे। कितने पे होगी? 90 डिग्री पे। इससे नेक्स्ट जो दिशा है, अगर हम उत्तर से इनको देखते जाए, तो अगली हमारी दिशा है दक्षिण पूर्व, वो होगी हमारी 135 डिग्री पे। दक्षिण दिशा है जो हमारी, वो कितने पे होगी? 180 डिग्री पे। एकदम अपोजिट आ रहा है। अगर आपको बोला जाए कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं और उसके अपोजिट घूम जाइए, तो आप कौन सी दिशा में? साउथ में। और कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे। हमारी नेक्स्ट दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण पश्चिम। ये कितने पे होगी? 225 डिग्री पे। नेक्स्ट दिशा है हमारी पश्चिम दिशा, ये कितने पे होगी? 270 पे। कितने पे? 270 पे। और नेक्स्ट दिशा है हमारी कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा, वो कितने पे होगी? 315 डिग्री पे। तो दोस्तों, इन जो हमारे एंगल है, कोण है, इनका भी आपको मालूम होना जरूरी है। एक बार आप इनको देख सकते हो और
स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको पता रहे कि कितनी कौन सी दिशा में कितने डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों अगर आपको दिशाओं और एंगल का पता चल गया हो तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिनको आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों पहली है कि जो हमारी दिशाएं होती है उनको हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है। तो पहली बात है जो आप नोट करते रहे कि नॉर्थ है इसको हिंदी में बोला जाता है उत्तर, साउथ है इसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण। बहुत बार अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आपके हिंदी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी और आप हिंदी मीडियम हो तो आपके इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं, आप इनको नोट करते जाइए। तीसरी आपकी ईस्ट, ईस्ट को क्या बोला जाता है पूर्व, को क्या बोला जाता है पूर्व दिशा। और आपकी चौथी दिशा है वेस्ट, और वेस्ट को क्या बोला जाता है पश्चिम। तो ये पहला टॉपिक पॉइंट है हमारा कि चारों दिशाओं का आपको हिंदी और अंग्रेजी में नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि आपको दे दे राइट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है अगर राइट, तो दोस्तों राइट तो आपको पता हो जाएगा कि किस हाथ को बोला जाता है, और आप राइट और लेफ्ट का कैसे पता करोगे, तो दोस्तों आप आराम से देखना कि जो आपका ये लेफ्ट हैंड है इससे अगर ये एल बन रहा है, एल बन रहा है तो ये कौन सा हो गया आपका लेफ्ट हैंड, और दूसरा हो जाएगा राइट हैंड। आपको अपने हाथ से पता रखना है कि इससे क्या बन रहा है, एल बन रहा है, ये अगर एल बन रहा है तो आपका ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि राइट को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो दोस्तों राइट को हिंदी में बोला जाता है दाहिनी, और जो लेफ्ट है इसको क्या बोला जाता है बाहीं। इन दोनों बातों का भी आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत से बच्चे होते हैं जो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट बाया होता है या दाया होता है। अगर प्रश्न में आपके बाया और दाया आ गया तो वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि कौन सा ये राइट है या ये राइट है, ये इसमें प्रॉब्लम होती है। तो राइट को दाया बोला जाता है और लेफ्ट को बाया बोला जाता है। नेक्स्ट है सनराइज और सनसेट, क्या है सनराइज और सनसेट। तो दोस्तों आपको सनराइज और सनसेट का भी पता होना चाहिए कि सनराइज किसे बोला जाता है और सनसेट किसे बोला जाता है। सनसेट ये आता है हमारे जो छाया से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण रहता है। तो सनराइज बोला जाता है सूर्य उदय को और सनसेट बोला जाता है सूर्य अस्त को। किसको, सूर्य अस्त को बोला जाता है सनसेट और सनराइज बोला जाता है सूर्य उदय को। तो दोस्तों ये जो बातें हैं आपको याद होनी जरूरी है। एक बात और है कि आपको पूछा जाए फॉरवर्ड, अगर आपको दिया जाए कि फॉरवर्ड या आपको दिया जाए कि रिवर्स, इनका क्या मतलब होता है, यह भी क्वेश्चन में बहुत बार दिशा परीक्षण के सवालों में पूछा जाता है। तो दोस्तों फॉरवर्ड का होता है सीधा और रिवर्स का होता है उल्टा, ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये तीसरी बात और ये चौथी बात। ये चार बातें हैं जो आपको बहुत तरीके से या इनको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं को ये बोला जाए कि आप उत्तर दिशा के अंदर मुंह है, ये हमारी पांचवी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि आप उत्तर दिशा के अंदर मुंह करके बैठे हो तो आपका दाया और बाया किस साइड रहेगा। तो दोस्तों आपको इसे पता करना है कि आप ऐसे ही बैठे हो जैसे इस प्रकार मैं खड़ा हूं, इसी प्रकार आप खड़े हो जाओ तो आपका दाया और बाया किस साइड रहेगा। तो दोस्तों आपका यह साइड रहेगा वो रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा आपका राइट, क्या रहेगा राइट। और इसी प्रकार आपसे बोला जाए कि आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हो तो आपका दाया और बाया किस साइड में रहेगा। तो दोस्तों ये कौन सी होगी आपकी पूर्व और ये होगी आपकी पश्चिम। तो दक्षिण दिशा में कर रहे हो तो आपका जो राइट रहेगा वो रहेगा इस साइड, कैसे कि आप इस प्रकार ले लो, दक्षिण दिशा का दिया जाए तो आप इस प्रकार से हो जाओ और उत्तर दिशा का दिया जाए तो आप इस प्रकार हो जाओ। तो ये हो गया आपका राइट हो गया, ये आपकी दिशा कौन सी होगी पश्चिम, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, दिशा कौन सी होगी पूर्व। तो इन दोनों बातों का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि
अगर आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो वह आपके लिए दायां होगा। कैसे? कि यदि आप घड़ी की दिशा में घूमते हो तो वह आपके लिए क्या होगा, वह आपके लिए होगा दायां होगा। चाहे आपका मुंह किसी भी दिशा में हो। कैसे दोस्तों? कि अगर आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं और अगर आप घड़ी किस प्रकार चलती है, तो अगर आप घड़ी की दिशा में घूमोगे तो आप किस दिशा में घूमोगे? आप दाएं दिशा में घूमोगे। अगर आपको बोला जाए कि आप घड़ी की दिशा में घूमिए 90 डिग्री, तो आपका मुंह जो इधर है वो इस दिशा में हो जाएगा और ये डिग्री बन जाएगी 90। और आप किस दिशा में घूमोगे? आप दाएं दिशा में घूमोगे। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको बोला जाए कि आप घड़ी की दिशा के विपरीत घूमिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, यह है घड़ी तो इस दिशा में घूमेगी और आपको बोला जाता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो आप किस साइड घूमेंगे? आप घूमोगे इस साइड, जहां से आप उत्तर दिशा में आपने चाहे मुंह करके रखा है और आप इस दिशा में घूम रहे हैं, तो आप किस दिशा में घूमोगे? आप घूमोगे बाहीं दिशा में। किस दिशा में? चाहे आप उत्तर में रहे आपका मुंह है, पूर्व में रहे या दक्षिण में रहे या पश्चिम में रहे, अगर आप इस प्रकार घूमोगे तो आप किस एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे? तो बाहीं प्रकार घूमोगे, और बाहीं प्रकार का मतलब लेफ्ट साइड में घूमोगे। अब दोस्तों इन बातों के बाद आपको कोणों का ज्ञान भी होना जरूरी है। कैसे? कि एग्जाम में बहुत बार ये कोण दिए जाते हैं कि आप उत्तर में मुंह करके खड़े हो और आप 45 डिग्री घूमिए, तो आपके पास कौन सी दिशा होगी? चाहे पहला है कि आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो, किस दिशा में? उत्तर दिशा में, और आपको दिया हुआ है कि आप 45 डिग्री घूमिए, तो 45 डिग्री ये हो जाएगी आपके 90 डिग्री, ये आ जाएगी आपकी कौन सी? पूर्व दिशा। आपको घूमना है 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री घूमोगे, ये हो गया 45 डिग्री, तो ये आपके पास कौन सी दिशा आई? तो ये दिशा आ जाएगी आपके नॉर्थ ईस्ट, कौन सी? उत्तर पूर्व। इसी प्रकार आपको दे दे कि आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो और आप 135 डिग्री घूमिए, तो ये आपके उत्तर मुंह में आप खड़े हो, ये हो गया आपके 180 डिग्री साउथ, ये हो गया 90 डिग्री पे आपके कौन सा? ईस्ट। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि आप 135 डिग्री आपको घूमना है, तो ये हो गया आपके 90 डिग्री, ये हो गया आपके पूरा जो आई यहां पे है वो हो जाएगा 180 डिग्री, आपको घूमना है 135 डिग्री, तो ये हो गया 135 डिग्री। ये दिशा कौन सी आ गई? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको घूमने के आधार पर एग्जामों में बहुत से बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बेसिक। अब हम देखते हैं जो हमारा दिशा परीक्षण है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको। दोस्तों दिशा परीक्षण के जो प्रश्न है इनको हम चार प्रकार से समझेंगे। चार प्रकार के प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम एक एक को करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दूरी पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? दूरी पर आधारित प्रश्न। जो दूरी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, दूरी पर आधारित प्रश्न, दूरी पर आधारित प्रश्न इनमें रहेगा कि आपको दिया जाए कि आप अपने घर से 4 किलोमीटर ऑफिस की ओर जाते हो, यह आपका घर हो गया या आपकी ऑफिस होगी, दूरी कितनी है, किस दिशा में जा रहे हो? अपने घर से पूर्व दिशा में आप 4 किलोमीटर अपने ऑफिस में जाते हो, दूरी हो गई 4 किलोमीटर, यह आपका ऑफिस हो गया। ऑफिस से आप फिर
उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलते हो और वह आप मंदिर में दर्शन करते हो, तो कितने किलोमीटर पर मंदिर है? यह हो गया आपका मंदिर, और किलोमीटर कितने हैं? 3 किलोमीटर है। तो दोस्तों अभी आप अपने घर से कितनी दूरी पर हो, आपको क्या बतानी है? अपने घर से मंदिर की दूरी बतानी है। क्या बतानी है? अपने घर से मंदिर की दूरी बतानी है। तो दोस्तों ये आपका यहां पे समकोण बन रहा है, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया करण। दोस्तों जब करण है, आधार है और लंब है, लगा दो पाइथागोरस पर में, क्या होती है? करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे भी बेहतर तरीके से आपको वीडियो जरूर मिलते रहेंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। आपको जो दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो में उनकी बेसिक जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों यह हो गया हमारी पाइथागोरस प्रमेय। हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे करण ज्ञात करना है, रख दो मान। आधार क्या है हमारा? 4, तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितने हो गए? 25। करण बराबर √25 कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो दोस्तों जो हमारा पहला टाइप है उसमें क्या पूछा जाता है कि दूरी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको कोई सा भी प्रश्न दे देंगे और आपको उसका उत्तर बताना है। अब दोस्तों यह आपके समझ में आ गया होगा, यह एक बार मैं वापस बता देता हूं कि आप अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में ऑफिस को जाते हैं, ऑफिस से आप उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर मंदिर की ओर जाते हैं। तो आपके घर से मंदिर या आप अभी अपने घर से कितनी दूरी पे है, यही क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप किस प्रकार निकालोगे? तो दोस्तों 4 किलोमीटर जो हम ऑफिस जा रहे हैं वो हो गया हमारा आधार, 3 किलोमीटर हो गया हमारा लंब, और हमें क्या याद करना है? करण। पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रश्न है दोस्तों आप आराम से इसको लिख लेना, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। राम अपने घर से 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। कितने किलोमीटर जाता है? 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर, कितने? 3 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चल गया, फिर 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर फिर 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर रुक जाता है। तो राम की घर से सीधी दूरी बताओ, सीधी दूरी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। दिया हुआ क्या है? राम अपने घर से 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो दोस्तों ये बन गया हमारे राम का घर, ये हो गया 7 किलोमीटर। राम पूर्व दिशा में चल रहा है, ये दिशा कौन सी हमारी? पूर्व, तो इसमें चल रहा है, ये दूरी क्या होगी? 7 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर, तो दोस्तों बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में घूमेगा? ऊपर की ओर, तो ये उत्तर दिशा या बाएं मुड़ जाता है। कितने किलोमीटर चलता है? ये 3 किलोमीटर चलता है, तो ये चल गया हमारे 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर, फिर 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर रुक जाता है, यानी 3 किलोमीटर तो बाएं मुड़कर चला, फिर 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर रुक जाता है। यहां पे आके ये क्या कर जाता है? रुक जाता है। यह भी क्या हो गई? 3 किलोमीटर। अब आपको पूछी क्या है कि उसके घर से सीधी दूरी ये बतानी है, कैसे बता करोगे? या आपसे यहां पे पूछ ले कि ये किस दिशा में है? तो दोस्तों दिशा तो यहां से आपको पता चल जाएगी कि ये दिशा हो गई उत्तर, ये हो गई पूर्व, तो ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व दिशा। अब उसकी सीधी दूरी, तो दोस्तों अगर यहां से हम इसको मिलाएं तो ये क्या है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, तो ये दूरी कितनी बची? 4 किलोमीटर।
सात माइनस तीन बराबर चार, तो ये दूरी बची आपके पास 4 किलोमीटर और ये दूरी कितनी है 3 किलोमीटर। लगा दो पायतो परस्पर में आधार लंब और करण, हो गया आधार लंब और करण। तो करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करण में ज्ञात करना है यहां पे आधार और लंब दिया हुआ है, लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 बराबर 25। तो करण कितना आ गया यहाँ पे हमारा 5 किलोमीटर। दोस्तों इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे गए जो प्रश्न है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न, नेक्स्ट टाइप के प्रश्न है हमारी, ये है हमारे पार्ट 2 नंबर की, जिसमें रहेंगे हमारे शर्त पर आधारित प्रश्न। किस पे? शर्त पर आधारित प्रश्न, शर्त पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ये प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं कि आपको कहा जाए कि उत्तर को पूर्व कहा जाए, उत्तर को पूर्व कहा जाए, किसको उत्तर को हम पूर्व कह रहे हैं, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, किसको पश्चिम को उत्तर कहा जाए। और ये जो हमारा चक्कर है इसी प्रकार, ये प्रक्रिया क्या है, इसी प्रकार चलती रही प्रक्रिया, इसी प्रकार जारी रहे जारी रहे। तो हम दक्षिण को क्या कहेंगे, किसको दक्षिण को क्या कहेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है। यह है हमारा जो क्वेश्चन है, यह है हमारे पार्ट 2 टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन हमने देख लिया था जिसमें हमने देखा था दूरी पर आधारित प्रश्न, सेकंड है हमारा शर्त पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें दिया हुआ है कि उत्तर को पूर्व कहा जाए, यह हो गया हमारा उत्तर, यह हो गया पूर्व, यह हो गया दक्षिण और यह हो गया हमारा पश्चिम। दिया हुआ क्या है कि उत्तर को पूर्व कहा जाए, उत्तर है इसको क्या बोला जाए पूर्व बोला जाए, और पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम को क्या बोला जाए उत्तर बोला जाए। दोस्तों सबसे बड़ी ये किस दिशा में हमें घुमा रहा है, ये हमें किस दिशा में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ये बात आपको नोट्स करनी है कि ये किस दिशा में आपको घुमा रहा है। आगे देखिए कि कितने डिग्री कोण पे घुमा रहा है, उत्तर को पूर्व कहा जाए तो कितने डिग्री, 90 डिग्री। और दोस्तों इसी प्रकार आप इसमें देखो तो पश्चिम को उत्तर क्लॉकवाइज घुमा रहा है और 90 डिग्री घुमा रहा है। तो हमें क्या पूछा है दक्षिण को क्या कहेंगे, तो हमें क्या करना है 90 डिग्री घूमना है और घूमना किसमें, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में ये घूमे और ये कितने हो गए हमारी 90 डिग्री। तो दक्षिण को हम क्या बोलेंगे पश्चिम, क्या बोलेंगे दक्षिण को पश्चिम बोलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको पूछा जाए उपदिशाएं होती है जो उत्तर पूर्व है, उत्तर दक्षिण सॉरी उत्तर पूर्व है और दक्षिण पूर्व है, इनके आधार पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनका आपको आंसर कैसे बताएं। आपको पूछा जाए कि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, क्या उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, और यह जो प्रक्रिया है इसी प्रकार जारी रहे, प्रक्रिया जारी रहे। तो आगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि पूर्व को क्या बोलेंगे, तो पूर्व को क्या बोलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए। पहले आप अपनी 4 दिशाएं बना लीजिए, ये हो गई आपकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 दिशाएं हो गई। अब आगे क्या दिया हुआ, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ये हो गई आपकी उत्तर,
पूर्व, ये हो गई आपकी उत्तर पश्चिम, ये हो गई दक्षिण पश्चिम और ये हो गई दक्षिण पूर्व। क्या बोला गया है कि उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, किस दिशा में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे बड़ी बात, पहली बात कि हमको घूमना किधर है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, आगे देखना कितनी डिग्री पर घूमना है। तो इससे अगर आप उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम आएंगे तो कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री, ये हो गई हमारी। दूसरी बात क्या है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम ये रहा, दक्षिण पूर्व ये रहा, किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो दोस्तों कितने डिग्री, 90 डिग्री घुमा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो पूर्व को क्या बोलेंगे, तो पूर्व को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, घूमना कितना है, 90 डिग्री, तो क्या बोलेंगे पूर्व को, उत्तर बोलेंगे। ये हो गए हमारे दूसरी प्रकार की जो है शरत पर आधारित प्रश्न। दोस्तों हमारी नेक्स्ट टाइप है कि एंगल वेस्ट, कोण पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो। दोस्तों इसमें किस प्रकार, तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके आधार पर देखते हैं। राम 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 180 बाएं डिग्री बाएं मुड़ता है, तो उसका चेहरा किस दिशा में है यदि शुरुआत में उत्तर की ओर चल रहा हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नक्शा बनाना है उसमें यह देखना है कि वो सरों में किस दिशा में चल रहा है, तो सरों में वो किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। आगे आपको क्या दिया हुआ है कि राम 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो आप उसको 90 डिग्री दाएं मोड़ दो, ये दाएं मोड़ा तो पूर्व की ओर हो जाएगा, कितने डिग्री, 90 डिग्री दाएं मोड़ दिया। आगे क्या दिया हुआ है, फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर और 45 डिग्री वो दाएं मुड़ रहा है, तो यह हो गया फिर 45 डिग्री, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। आगे क्या दिया हुआ है, फिर 180 डिग्री बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, इतनी देर क्या दाएं मुड़ रहा था, अब क्या मुड़ रहा है, वो बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा तो मतलब उसको लेफ्ट साइड में घुमाना होगा, तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगी, 180 डिग्री बाएं मुड़ता है, कितने डिग्री, 180 डिग्री, ये हो गई हमारी तीसरी बात। 180 डिग्री बाएं मुड़ता है तो उसका चेहरा किस दिशा में, ये हो गई उत्तर, ये हो गई आपकी पश्चिम, तो राम का चेहरा किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में है उसका चेहरा। दोस्तों यह तरीका है जिसमें अगर आपको यह संख्या, अगर राम को 4-5 बार घुमाया जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसको एक आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको दर्शाना है प्लस से, और एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज हो उसको किससे दर्शाना है, माइनस से। कैसे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री दाएं घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो 90, फिर 45 डिग्री दाएं तो 45, कितने हो गए, 135, इनको दर्शाना है प्लस से। आगे देखिए तो उसका चेहरा, सॉरी, फिर 180 डिग्री बाएं घूम रहा है तो कितना, 180, और कितना, नेगेटिव। अब दोस्तों 180 में से 135 हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 45, और ये 45 किसके बचेंगे, नेगेटिव के, ये प्लस के हैं और ये है माइनस के, तो 45 नेगेटिव बचे, नेगेटिव चिन्ह किसका है, एंटी क्लॉकवाइज का, उसका सरों में चेहरा किस दिशा में, उत्तर, और 45 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज डिग्री अगर उसको घुमाएंगे 45 डिग्री तो उसका चेहरा किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार जैसे ये उत्तर में दिया हुआ है हमें सरों में, और हमें 45 डिग्री इसको घुमाना है, वो किसको, माइनस का चिन्ह है तो एंटी क्लॉकवाइज में, ये हो जाएगा और ये आ जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। इसमें आपको ये शुरू में दे दे कि राम 45 डिग्री दाएं घूमता है, फिर वापस वो 90 डिग्री दाएं घूमता है, फिर 135 डिग्री किधर घूमता है, बाहें घूमता है, तो माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और फिर दे दे कि वो वापस दाएं घूमता है 90 डिग्री, तो दोस्तों वो उसका चेहरा किस दिशा में है, अगर उसका शुरू में उसका चेहरा किस दिशा में था, उत्तर दिशा में, तो 45 90 90 180 180, 225 225 में से 135 निकालेंगे तो
कितने बचेंगे? 90। 90 बचेंगे। शुरू में उसका उत्तर दिशा में चेहरा था, तो अब प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहां पे ध्यान देना आपका, यहां पे क्या है, प्लस का है, तो किस साइड में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या, उत्तर दिशा में उसका शुरू में चेहरा था, तो अब किस दिशा में हो गया? अब उसका चेहरा हो जाएगा पूर्व दिशा में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा प्रकार, जिसमें है कोण पर आधारित पर्सन। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारी परछाई पर आधारित पर्सन। इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है, अगर मॉर्निंग का टाइम हो और इवनिंग का टाइम हो, तो दोस्तों अगर मॉर्निंग का टाइम होगा तो मॉर्निंग का टाइम ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, और इवनिंग का टाइम हो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। मॉर्निंग के टाइम में सूरज होगा यहां पे कोई बंदा बैठा है, तो उसकी परछाई किसमें बनेगी? पश्चिम में। तो मॉर्निंग के समय परछाई किस दिशा में बनेगी? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। अगर उस कोई यहां पे बैठा है, उसका चेहरा अगर उत्तर दिशा में है, तो उसके किस साइड छाया बनेगी? अगर उसका चेहरा उत्तर दिशा में है तो उसके किस दिशा में बनेगी? अगर उसका उत्तर दिशा में है तो उसके लेफ्ट साइड में, और अगर उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, तो उसके किस साइड बनेगी? राइट साइड परछाई बनेगी। इसी प्रकार अगर इवनिंग का समय हो तो सूर्य होगा पश्चिम में। सूर्य किधर होगा? पश्चिम में। यहां पर कोई बंदा बैठा है तो उसकी परछाई किस ओर बनेगी? पूर्व में। तो परछाई किस दिशा में बनेगी? पूर्व में। अगर इस बंदे का मुंह है कि उत्तर की ओर हो, इस बंदे का मुंह है उत्तर की ओर हो, तो इसकी परछाई किधर बनेगी? किस साइड बनेगी? तो इसकी बनेगी राइट साइड। और अगर इसका चेहरा दक्षिण में हो तो किस साइड बनेगी? लेफ्ट साइड। इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि यह बातें ही आपको परछाई पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनमें आसानी दिलाएगी। तो दोस्तों मॉर्निंग के समय सूर्य पूर्व दिशा में रहता है और परछाई पश्चिम दिशा में बनती है, और इवनिंग के समय जो सूर्य होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, और परछाई किस दिशा में बनती है? परछाई बनती है पूर्व दिशा में। तो दोस्तों इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आज हम करवा रहे हैं, और जो कल हमारा या नेक्स्ट वीडियो आएगा डायरेक्शन टेस्ट का, उसमें आपको डायरेक्शन टेस्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन है कि प्रातःकाल सोवन व मोवन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये सोवन या मोवन, ये सोवन या मोवन, इनमें से कौन है किसी को पता नहीं है। प्रातःकाल सूर्य इधर रहेगा, पूर्व में रहेगा सूर्य, सामने आ रहे हैं। तो सोवन ने देखा कि मोवन की परछाई मोवन के दाईं ओर पड़ रही है, मोवन के दाईं ओर पड़ रही है। इसने इसको देखा या इसने इसको देखा ये बता नहीं सकते, लेकिन आपको पता करना है कि सोवन ने देखा कि, चलो हम सोवन मान लेते हैं इसको, तो इसने देखा कि मोवन की परछाई मोवन के दाईं ओर पड़ रही है। तो दोस्तों मोवन के दाईं ओर पड़ रही है, अगर हम इसको मोवन लेते हैं, इसका मुंह होगा इस साइड, इसकी दाईं ओर, तो इसका राइट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड इस टाइप, तो इसके राइट ये होगा। अगर हम इसको क्या माने, इसको सोवन माने और इसको मोवन माने, तो इसका मुंह होगा इस दिशा में, इसका कौन सा होगा, इधर इधर होगा इसका लेफ्ट, और इसका होगा राइट। तो दोस्तों यहां आपको समझना है कि सोवन ने देखा तो इसने देखा कि मोवन की परछाई, तो मोवन यह है, इसकी परछाई दाईं ओर, मोहन के दाईं, इसके दाईं ओर, इसके दाईं ओर, और यही इसकी दाईं है, तो मोहन की दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है? तो मोहन का मुख किस दिशा में है? यहां से, तो यहां से मोहन का मुख आ रहा है हमारे दक्षिण दिशा में। यह दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा में। एक बार आप वापस समझिए कि कैसे होगा ये। तो दोस्तों आमने सामने बगीचे में मोहन और सोवन आ रहे हैं, तो
तो सोमन ने देखा कि, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि यहां पे क्या दिया हुआ है, मोहन परछाई मोहन के दाहिनी ओर पड़ रही है, दाहिनी इसका दायां या इसका दायां, यह बात आपको, इसका दायां किस साइड है, इसका दायां किस साइड है, इसका दायां तो इधर आ गया और इसका दायां इधर आ गया, तो आपको यहां से समझ में आ जाएगी कि मोहन कौन है, यही है, और सोमन कौन है, यही है, और इसका दायां इधर से आ रही है, सुबह घर्ष में परछाई इधर से आ रही है, तो दायां इधर है, तो सोमन मोहन कौन होगा, यही होगा। तो सोमन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाहिनी ओर पड़ रही है, तो ये मोहन है, तो इसका मुख किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्दी आपके साथ मैं लेकर आऊंगा जो डायरेक्शन टेस्ट है इसका पार्ट टू, जिसमें आपके पास रहेंगे कम से कम 50% जो डायरेक्शन टेस्ट हैं पहले के एग्जामों में पूछे गए हैं। यह था आपका बेसिक तरीका जिसको आपने अच्छी तरह देखा होगा। धन्यवाद।